दोस्तों मैं हूँ ग्रैनी एंड मैं आज आई हूँ लिटिल सिंघम के घर को ब्लास्ट करने के लिए। वो देखो सामने धमाका, ये लोग अपना नया घर बना रहे हैं और मुझे इनसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। मुझे इनका घर तोड़ देना है ताकि इनका नया घर नहीं बन सके एंड इसके लिए मैं आज सारी कोशिशें करने वाली हूँ। अच्छी बात ये है, ये पता है अभी लोग है ना ये कहीं गए हुए हैं चिंचन के स्कूल, अभी हमारे पास में मौका है, हम इसके घर को ब्लास्ट कर सकते हैं। चलो धमाकेदार, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, इनके पास में कोई जादुई शक्तियाँ है क्या? देखो मैं इनके हमला कर रहा हूँ मगर इनके हमला ही नहीं हो रहा, ये कौन सी शक्तियाँ है यार? इन शक्तियों के बारे में तो मुझे जानना पड़ेगा। आज देखा ना तुमने, मैं हमला कर रही हूँ मगर देखो केवल धुआं निकल रही है, हमला ही नहीं हो रहा। अरे यार रुको, अब मैं जरा एक बार दूर जाके देख के तो आऊँ, ये चक्कर क्या है, ये कौन सी जादुई शक्तियाँ लगा रखी है इनके घर के अंदर। रे दादा, मुसीबत हो गई, अगर मैं इनको हमला नहीं कर पाई तो मैं मारी जाऊंगी भाई। रुको अब देखा, ये हमला हो रहा है ना, ओ कांच का गेट टूट गया, उनकी दीवारें टूट गई, ये यही तो मैं चाहती हूँ। वाह, देखो गाइस इनकी दीवारें, घर की दीवारें टूट गई है, अरे वाह यही तो मैं चाहती हूँ, पूरा का पूरा घर तोड़ दूंगी मैं। ये देखो भाई, अरे टूट गया इनका घर, यही तो मैं चाहती हूँ, चलो और तोड़ती हूँ मैं। अरे यार क्या जादू शक्तियाँ इनके घर में। अरे गाइस यार, मैं शिनचैन के स्कूल आया था, शिनचैन ने बोला था उसके आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है एंड उसके अंदर पता नहीं क्यों उसके ग्रैनी के बच्चे उसको पीट के चले जाते हैं बार बार, तो मैं जरा एक बार देखने आ गया था कि भाई आखिर चक्कर क्या है, ग्रैनी के बच्चे कहीं उसे पीट तो नहीं रहे ना, जरा देख के आते हैं गाइस। मगर यार घर पूरा अकेला और सूना है। अरे शिनचैन कहाँ पे है, लगता है इधर ऊपर होगा गाइस, इनकी क्लास ऊपर चलती है इधर ऊपर। शिनचैन अरे आज तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, देखना पड़ेगा, तुम्हारे जीरो मार्क्स तो नहीं आ गए, और शिनचैन कहाँ पे हैं? देख ग्रैनी यार, स्मॉल ग्रैनी प्लीज मेरी दोस्त बन जा यार, देख लिटिल सिंघम भैया तो आजकल पता नहीं क्यों मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए एंड छोटे लिटिल सिंघम भैया भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए। ग्रैनी यार प्लीज मेरी दोस्त बन जाना यार, अगर तू दोस्त नहीं बनेगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ग्रैनी बता दे यार, दोस्त बनेगी क्या मेरी, प्लीज बन जाना मेरे साथ में दोस्त। अरे अबे ओए मूर्ख शिनचैन, तेरे को कितनी बार समझाया ग्रैनी को दोस्त क्यों बना रहा है, अबे समझ में नहीं आता, वो ग्रैनी इविल टीम से है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजर है गाइस, मैं इसको फटाफट से किडनैप कर लेता हूँ। हाँ भाई किडनैप कर लो भाई, अच्छी बात है पकड़ लिया, चलो गाइस और गाइस अब अच्छी बात है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। शिनचैन पता नहीं क्यों तो टाका वाका तो नहीं बढ़ावा ना तुम्हारा, ओहो शादी वादी तो नहीं करना चाहते ना तुम, आज इनका मुझे प्लान कुछ ज्यादा खतरनाक और डेंजर लग रहा है। चल भाई चल शिनचैन आजा, मैं तेरे को घर लेके चलता हूँ, आजा तो बहुत कर लिया शैतानी तू। अरे लिटिल सिंघम भैया ये आपने ऐसा क्यों किया यार, मुझे जल्दी से इसको खोलना पड़ेगा, चिंता मत करो ग्रैनी मैं तुम्हें खोल देता हूँ, और सुनो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये लिटिल सिंघम भैया तुम्हें पकड़ के बहुत बुरा मारेंगे, भाग जाओ फटाफट यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से दूर भाग जाओ। अरे ओए व्हाइट ग्रैनी रुक जा मैं तेरे को पकड़ूंगा, जल्दी से पकड़ना पड़ेगा, रुक जा मैं तेरे को पकड़ रहा हूँ, रुक जा। ये शिनचैन ने पता नहीं क्यों उसको खोल दिया, खुला छोड़ दिया, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए शिनचैन यार। गाइस छोड़ो शिनचैन को, मैं यहीं छोड़ जाता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास अभी छोटी ग्रैनी का बोला कि है ना, इसने छोटी ग्रैनी ने बोला कि बड़ी ग्रैनी हमारे घर को फोड़ना चाहती है, जरा एक बार देख के आऊँ हमारे घर की हालत क्या है। तुम्हारे घर की हालत बहुत बुरी है, मैं इस तरह से धमाका कर करके इनके पूरे घर को ब्लास्ट कर देने वाली हूँ, ये लोग अपना नया घर बना रहे हैं ना, इनके घर की पूरी बैंड बजा दूंगी मैं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इन लोगों को देख करके, ये लोग अपना नया घर बना रहे हैं एंड मुझे इनको बुलाया ही नहीं, बताओ यार गंदी बात होती है, आज नए घर को मैं पूरे के पूरे तोड़ दूंगी, ये देखो गाइस पूरे कांच को तो मैंने तोड़ दिया है और अब मैं पूरे के पूरे घर को तोड़ दूंगी, रुक जाओ चिंता मत करो तुम बस। अरे वाह दोस्तों, ये देखो मैंने पूरे घर की बैंड बजा दी है, किसी बात को किसी को भी पता भी नहीं पड़ेगा ये काम किसने किया और इतना खतरनाक तरीके से किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पूरे के पूरे घर की मैंने बैंड बजा दी, याहू इनके घर की पूरे की बैंड बज गई, ये देखो गाइस सभी के सभी मैंने पिलर्स को उखाड़ के फेंक दिया यहाँ पर में एंड टू एंड, ऊपर देखो तुम सारे के सारे कमरों को मैंने तोड़ फोड़ के मरोड़ करके तोड़ दिया है भाई, इनका पूरा का पूरा टीवी तोड़ दिया।
कितना सारे काम कर दिए मैंने, इन बेचारों को पता ही नहीं है इनका घर टूट चुका है। क्या बात है, मजे आ गए, क्या बात है। गाइस देखो, अब इनको पेंट कराने में पूरी जिंदगी भर लग जाएगा। अरे वाह, अरे रुको रुको, तुम्हें तो अभी और कुछ दिखाना है भाई। मैंने बहुत खतरनाक खतरनाक काम किए। इधर देखो, पूरे को पूरी गाड़ी को ही मैंने ब्लास्ट कर रखा हुआ है। और तो और को देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कबाड़ा हुआ है भाई। बहुत खतरनाक हालत टाइट हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों गिर गई, अरे संभल करके। चलो कोई बात नहीं, गिर गई तो अच्छी बात है। अब मैं इनके घर, इनके बेकार कचड़े वाले घर से तो दूर आ गई हूँ। मैं एक और बार जाके एक बार देख लूँ कि भाई यहाँ क्या क्या गंदे गंदे काम किए इन लोगों ने। ओके, समझ में आ गया, इन लोगों ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, समझ में तो आ गया है। अरे ये क्या दोस्तों, ये क्या, हमारे घर को किसने तोड़ा? ये काम जैसा कि ग्रैनी बता रही थी, ये ग्रैनी ने किया होगा। पूरे घर की ऐस तैस करके रख रखी है, इतनी मुश्किल से घर बनाया था हमने, पूरे घर की बैंड बजा दी। अरे यार नहीं 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 ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई यार, हमारे पूरे घर को तोड़ फोड़ के रख दिया यार। अरे ये कहाँ से निकल गया मैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मगर गाइस हमारे घर की तो पूरी पैंट बचा दी ग्रैनी ने। यार ये ग्रैनी ने बहुत गलत किया, रुको पानी करके पहले तो जल्दी से यहाँ का सारा पानी करके धोना पड़ेगा। और इतनी मिट्टी मिट्टी कर रखी है ग्रैनी ने यार, इसको ऊपर कर देती हूँ मैं जल्दी से, और यहाँ पे पीछे भी सब जगह पानी डालता हूँ भाई, ढंग से धोना पड़ेगा। ग्रैनी ने पूरी बैंड बजा के रखी है। अट जा गाड़ी, सामने से हट भाई। कोई नहीं, मैं ऐसे करके जल्दी से सभी की सभी जगह पे पानी डाल देता हूँ फटाफट फटाफट, और इधर भी पानी डाल देता हूँ भाई। ग्रैनी ने पूरे घर को आग लगाने की कोशिश करी है, एंड पूरे घर की तोड़ फोड़ करने के लिए कोशिश करी गई है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। गाइस ग्रैनी को तो मजा चखाना पड़ेगा भाई, ग्रैनी को तो मजा चखाना पड़ेगा। कैसे चखाऊं बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मगर ग्रैनी को तो मजा चखाना पड़ेगा। अभी चलो पानी वानी से तो एकदम धो दिया है मैंने, जितना कर सकता था उतना तो कर दिया। जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ एंड मैं जाता हूँ ग्रैनी के घर पे। अरे वो भी क्या करेगा ग्रैनी के घर जाकर के, अरे मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दूंगी और इनके पूरे घर को पूरे ब्लास्ट करने की कोशिश करूंगी। गाइस बेचारा अकेला लिटिल जिंगम पड़ चुका है, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने उसके घर को ब्लास्ट करके रखा हुआ है और पूरी पूरी तरीके से तहस नहस करके रखा हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही दूर चली गई रे बाबा, रे बाबा मुझे जल्दी से जा करके उसको और तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी ताकि लिटिल सिंगम वहाँ पे कुछ ना कर पाए। इन तुम्हें क्या लगता है उसने जादू कर रखा है? अरे नहीं, वो नहीं करता यार, उसको नहीं आता जादू करना। हम अपने घर को जादू करके बचा सकता है मगर उसको जादू करना नहीं आता है दोस्तों। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तोड़ फोड़ करी है इसके घर के अंदर। ओहो हो, देखो यहाँ पे पूरे का पूरा तोड़ फोड़ कर करके एकदम बेकार कर दिया है, और नीचे जाके देखा जाए तो यहाँ पे भी खतरनाक तरीके से तोड़ फोड़ हो रखी है। ओहो हो, यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो रखी है। अभी ऐसा करती हूँ मैं जल्दी से यहाँ से निकल के भाग जाते हैं भाई, जल्दी से भागना सही रहेगा क्योंकि अगर लिटिल सिंगम आ गया तो वो हमारी बैंड बजा देगा। जादू मंत्र नीचे कूद जा। ओके नीचे आ गए हैं हम जल्दी से, यहाँ से दूर भाग जाता है। लिटिल सिंगम आता ही होगा और उसने अगर घर देख लिया, एक सेकंड उसको मैं एक रैम चैलेंज दे देती हूँ। अगर उसने रैम चैलेंज कम्प्लीट कर लिया तो फिर वो अपने घर को वापस जिंदा कर सकता है। अरे हाँ मजा आएगा भाई रैम चैलेंज करा करके। चलो चलो आ जाओ कंपटीशन करते हैं, कौन जीतेगा इस रैम चैलेंज के अंदर। तो ग्रैनी ने हमारे पूरे घर को ब्लास्ट करके रखा हुआ है एंड तहस नहस मचा रखी है। मैं एक बड़ी सी तलवार लेके आया हूँ उसको मारने के लिए, हो सकता है कि शायद ग्रैनी यहीं पे ही हो, इसी तलवार से उस गर्दन काट दूंगा भाई। आने दो, मिलने तो दो ग्रैनी को, एक सेकंड जरा दिखे दो ग्रैनी, अगर नहीं दिखेगी तो मैं उसके घर जाके ठोक के आऊंगा। अरे गाड़ी वाले तेरे को दिख नहीं रहा क्या, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और तुझे पता है ये ग्रैनी ने किया है, आजा तू भी हमारे साथ में, आजा ग्रैनी को पीट के आएंगे। कहाँ पे गई ग्रैनी भाई, ये पूरे के पूरे, हाँ ये तो मैंने ही चढ़ाया था। ग्रैनी अभी भी तबाही कर रही है आसपास में, तो यही आसपास में ही होगी ग्रैनी, मगर मैं ढूंढू कहाँ पे उसे, पड़ोसों की छत पे वो तो नहीं हो सकती। और ग्रैनी कहाँ पे हो सकती है यार, कहाँ पे हो सकती है, मिल जाए ना एक बार ग्रैनी, उसने हमारे नए घर की बैंड बजा के रखी हुई है यार। गाइस कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमारे नए घर को बचाने के लिए, क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया, ऐसा करता हूं ना गाइस, मैं कुछ उससे बोलता हूं भाई हमारे घर को ठीक करता है, भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, कुछ इस तरह से बोलता हूं। अगर उसने मेरी बात मान ली तो हो सकता है कि वो हमारे घर को जादू मंत्र से ठीक कर देगी, यही करना पड़ेगा। चलो भाई जल्दी से चलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अरे ये कहां गया मैं, अरे मुझे जल्दी से जीना पड़ेगा, बच गए गाइस बच गए।
अरे ये नहीं 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 मेरा हेलीकॉप्टर टूट गया यार, नहीं मेरा पैराशूट टूट गया, बच्चा ना जीना पड़ेगा, फटाफट से कूदना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। ओके बच गया गाइस, अगर नहीं संभलता नहीं बैलेंस होता तो भाई अब तक तो मर जाता मैं। चलो कैसे भी करके अपनी जान तो बचा ली। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये रैम चैलेंज करना है अगर मुझे जिंदा रहना है एंड अपनी गाड़ी को जिंदा बचाना है एंड अपने घर को कैसे भी करके बचाना है। तो अच्छी बात यह है कि हम ये कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं आगे का रैम चैलेंज करते हैं। ग्रैनी ने लावा स्पॉन किया है और हमें मारने की पूरी कोशिश करी है। जिंदा तो बचना ही होगा ना दोस्तों, कैसे भी करके जिंदा बचेंगे, बाद में ग्रैनी को मारेंगे, फिर खुद मरेंगे एंड फिर उसके बाद में अपने दोस्तों को बचा करके अपन जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे। तो यही करते हैं फटाफट से। अभी मैं फटाफट से इस रैम चैलेंज को करता हूँ क्योंकि रैम चैलेंज कंप्लीट करूंगा तो ही मैं अपना घर को बचा पाऊंगा। एंड ये आ गया, बहुत बढ़िया। खैर इजी तो मुझे लग रहा है, आगे देखते हैं और क्या क्या मुश्किलें आ सकती है मुझे इस रैम चैलेंज के अंदर। अभी तक तो एकदम सिंपल सिंपल सा लग रहा है। ये कूदी मारी और आ गए इधर और कूदी मारी। एक सेकेंड बच गए। अच्छी बात ये गाइज मुझे एक हेलीकॉप्टर भी मिला हुआ है जिससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। एंड ये देखो एकदम सेफली। अरे यार यहाँ पे कुदानी थी ना गाड़ी को, इतनी कुदा ली। ठीक है आगे को कुदाते हैं, फटाफट फटाफट कुदाते हैं और संभल करके। नहीं 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 बच गए गाइस। देखो ये जैट मेरे पास ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं तो मुझे कैसे भी करके इसको संभल करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चलो अब आगे चलते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं जीतूंगा या नहीं, मेरा घर जिंदा बचेगा या फिर नहीं? देखो जो भी हो कुछ भी हो जवाब मत दियो क्योंकि मुझे पता है मुझे करना ही पड़ेगा। और अभी तो इतना पता है कि मुझे ये फटाफट से रैम चैलेंज करके नीचे जाना है एंड फिर जादू मंत्र से अपने घर को ठीक करना है एंड उसके बाद में ग्रहणी को पीटना है। भाई तुम्हें ये पता है शिनचैन का चक्कर ग्रहणी से चल रहा है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, मैंने कैसे भी करके पता लगाई, फिर उसके बाद में शिनचैन को पीट के आया, उसके बाद में ग्रहणी को पीट के आया और भाई फिर ग्रहणी ने हमारे घर को पीट दिया। चलो आगे चलते हैं। एक सेकंड संभल करके आगे। नहीं आगे। ओके संभल करके। अरे नहीं भाई ये क्या हो रहा है भाई, कैसे बचेंगा मैं यहाँ से? शायद हो सकता है बच जाऊँ भाई, ज़्यादा बूस्ट नहीं है मेरे पास में ज़्यादा बूस्ट नहीं है। और आ गए, बच गए। अब मुझे यहाँ से आगे जाना है तो चलो चलते हैं फटाफट से, धीरे धीरे आगे चलते हैं एंड फटाफट से इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है कि आसानी से हो जाना चाहिए। इस बॉल को टक्कर मारी, नहीं बैलेंस करते हुए बच गए। ओके जान बच गए भाई। मैंने सोचा ही नहीं था, यकीन ही नहीं कर रहा था मैं तो भाई, कैसे भी करके यकीन किया एंड उसके बाद में खुद ही मारता है। चलो यहाँ से आगे भाई, हमें एक ब्रिज को क्रॉस करना है तो वो मुझे लगता है कि ईजी पार्ट रहेगा, इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं रहेगा, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेता है। यहाँ से जंप मारेंगे संभल करके ऊपर, यहाँ से जंप मारेंगे फिर से संभल करके ऊपर एंड फिर से ये ऊपर। आगे धूप का चमका पड़ रहा है एंड भाई अब कर लिया चैलेंज, हो गया कंप्लीट। बाय बाय, निकलता हूँ मैं यहाँ से। गाइस अब निकलते हैं फटाफट से, घर पहुंचते हैं एंड अपने घर को एकदम सही सलामत देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम ग्रैनी के घर पास पहुंचने वाले हैं, सॉरी अपने घर, एंड देखते हैं कि अपने घर की हालत क्या है, अपना घर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। वाह जादुई तरीके से हो गया एक ही बार के अंदर। गाइस हमारा घर ठीक हो चुका है भाई, यकीन नहीं हो रहा, एकदम नया का नया हो गया। अरे यार चलो चल के आते हैं, देख के आते हैं एंड सारी चीज को चेक करते हैं। भाई लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपना घर एकदम रेडी हो चुका है, हर चीज एकदम व्यवस्थित हो चुकी है भाई, मैं तो सोचा ही नहीं था। अरे कहाँ आ गया मैं भाई, ये देखो यार। अरे भाई मजे आ गए यार, एक एक चीज एक नंबर की बढ़िया हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे भी टीवी भी एकदम ठीक हो गया है एंड टू एंड, जो भी एक एक चीज तोड़ी थी, देखो दीवार भी एकदम ठीक हो चुकी है भाई, मैंने सोचा नहीं था ये भी ठीक हो जाएगा। चलो खैर अच्छी बात है, ये भी ठीक हो गया एंड भाई यहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो चुका है भाई, हमारी इच्छा पूरी हो गई। बिना शिनचैन को बताए मैंने अपने घर को ठीक भी करा लिया और ग्रैनी से लड़ाई भी कर ली। खैर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड गुड नाइट।